आ रही थी कि बेल कैंसिल हो गई है और राखी यहाँ पर आ सकती है। क्या क्लियर? सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया चैनल को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ गलत अफवाहें प्लीज़ पब्लिश ना करें, या प्लीज़ उसको मत सोर्सेस के हिसाब से प्लीज़ मत कीजिए। प्लीज़ काशिफ सर जो बोलते हैं उसको लेके आप कुछ भी प्रिंट मत कर देना प्लीज़, इसके इसका जवाब ये बेटर दे पाएंगे। इसी कैसा है कि हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई केस हुआ है, क्योंकि हमें कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ था, हमारे कोई समन्स भी नहीं आया था। अचानक हमने देखा कि बेल रिजेक्ट हो गई, अब आदिल खान दुरानी अरेस्ट हो जाएगा। सी, अरेस्ट होना बहुत दूर की बात है, बेल रिजेक्ट होना बहुत दूर की बात है। पहले समन आएगा, समन के लिए हम अपियर करेंगे, हमारे तरफ से उसका क्लेरिफिकेशन जाएगा, हमारे एडवोकेट्स उस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके बाद में डिसाइड होगा। तो यू नो, एक पब्लिसिटी गिमिक के लिए या एक कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट कराने के लिए ये कहीं ना कहीं एक चाल खेली गई थी कि यू नो, एक रॉन्ग अफवाह फैला दो ताकि जज जब सुबह उठ के पढ़े तो जज को लगे यार ऑलरेडी इसकी बेल रिजेक्ट है, तो इस केस को मैं आगे चला के क्या मतलब है। बट जज साहब बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने भी पता किया होगा कि ऐसा कोई केस अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने अप्लाई किया तो अप्लाई करने का अधिकार सबका है। अगर आपने डाल दिया कि बेल रिजेक्ट हो जाए, किस चीज़ पर रिजेक्ट हो जाए, ऐसा कौन सा क्राइम किया आदिल ने जिसके ऊपर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। उल्टा तो मुझे गालियां लिखती है, उल्टा मुझे बोलती है, मुझे सुनाती है चीजें। ऐसी कोई बेल रिजेक्ट नहीं हुई है, हमारे पास कोई समन कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। जब भी आएगा हम उसका पूरी तरह से जवाब देंगे और इसको काफी साल निकल जाएंगे, क्योंकि आदिल दुरानी ने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया है जिसकी वजह से उनकी बेल रिजेक्ट की जाए। तकरीबन वक्त था 5:30 जब मुझे पता चला कि बेल का ऑर्डर आ गया है, इट्स बीन रिजेक्टेड। 7 मुझे 4 वॉइस नोट आए, जो 4 वॉइस नोट सुन के मैं सबसे पहले डिस्टर्ब हो गया 10-15 मिनट के लिए। मैंने साहिब भाई को भेजा, साहिब भाई ने बोला बिल्कुल मत सर, इतने अब्यूजिव वर्ड्स में उसने बोला ये वो। मुझे पता था, जाहिर सी बात है, जब आज इट्स अ पे बैक टाइम फॉर राखी, राखी हैज़ टू पे बैक इन अ लॉट मोर वेज। अभी तो मेरी चीज़ें स्टार्ट प्रॉपर तरीके से एक ही हुई है, और 3 मोर थिंग्स आर येट टू कम। मैसूर थिंग इज़ येट टू कम, खूर्ग थिंग इज़ येट टू कम, मुंबई 1 मोर थिंग इज़ येट टू कम विच इज़ इन पाइपलाइन। अब तब में वो चीज़ें आने वाली है। आई डोंट नो हाउ शी हैव टू रिएक्ट, बट शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी हैज़ टू फेस इट नाउ, और शी के नॉट प्ले विथ एनी इनोसेंट। किसी की फैमिली के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती। सोसाइटी में हर एक इंसान की इमेज होती है, और एक इंसानियत के नाते वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। गलत इंसान को सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। यू कैन नॉट यूज़ द संविधान आपके तरीके से। औरत हो तो आपको कोई संविधान को आपके तरीके से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते संविधान में। हमने स्टार्टिंग से यही बोला है कि हमको मीडिया ट्रायल कभी नहीं चाहिए, हमें लीगल ट्रायल चाहिए। लीगली अगर आदिल रॉन्ग है तो आदिल को सज़ा मिलना चाहिए, लीगली जो भी रॉन्ग है। इसलिए हमने जब 67A का भी हुआ, हमने 3 महीने तक, मैं और सोहेल भाई 3 महीने तक कंटिन्यूस फॉलोअप करे, पुलिस को सारे सबूत दिए, सारे जो जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट चाहिए थी वो सारी दिए। उसके बाद में रिपोर्ट किया गया FIR, तो उन्होंने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश किया कि ये FIR नहीं हो, पर पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बहुत कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश करी, पर सोहेल जी का जो आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट पे वी जस्ट वांट टू टॉक ऑन पॉइंट्स को लेकर। तो आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है कि जितने भी एलिगेशन जो डाले गए हैं आदिल के ऊपर भी, उसको भी हम प्रूफ करेंगे कि वो किस हिसाब से डाले गए थे। और आने वाले वक्त में आगे के जितने भी FIRs हैं, हम थैंक यू बोलना चाहते हैं मीडिया को कि आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। उस चीज़ को भी हम सामने लेकर आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि उस चीज़ में भी आदिल को ही जीत कर मिले, और जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए लोगों के सामने मीडिया के जरिए। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में ये बेल उनको मिल सकती है अगर वो हाईकोर्ट में अप्लाई करेगी, बिकॉज शी इज अ वुमन, और वो मिल सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है वो तो जज के ऊपर है, बट हमारी तरफ से जो एविडेंस है, हमारी तरफ से जैसा अभी इन्होंने कहा, हमने हर एक चीज को जो है पूरी तरह से कोर्ट के सामने पेश किया है, और वो कोर्ट के ऑर्डर में भी है। कोर्ट ने पूरी चीज़ों को ऑर्डर में रिकॉर्ड किया है कि हमने क्या किया है, तो जब हाईकोर्ट भी जो होता है वो देखेगा चीज़ें। और जो सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ हैबिचुअल ऑफेंडर,
जो कोर्ट देखता है हमेशा, कोर्ट हमेशा आपको बेल देने के पहले पूछता है कि आपने ऐसा, ये पहली बार हुआ है तो ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी बार तीसरी बार करते हो तो कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट आता है आपके ऊपर। वो ऐसा नहीं है कि आप गए हाई कोर्ट और कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया। इट विल बी अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड वी विल सी कि जितना बेस्ट होगा वी विल गिव अ बेस्ट शॉट इन द हाई कोर्ट ऑल्सो। जिस जहाँ से वीडियो अपलोड हुए फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो मुंबई पुलिस के पास है ही नहीं है ऐसी कुछ जानकारी आ रही है कि जो वीडियो अपलोड किए होंगे, क्योंकि राखी दुबई में है, जैसे कि फोन्स लैपटॉप वो तो उनके कस्टडी में नहीं है, तो कैसे प्रूफ होगा? तो यही तो चाहिए, जब राखी को अरेस्ट करेंगे तभी तो सब चीज़ आएगा। जब वो राखी अरेस्ट होगी, जब लैपटॉप उनका रिकवर होगा या जैसे होगा, तब तो ये सब पता चलेगा कि किस लैपटॉप से हुआ था। देखिए कस्टडी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा या किसी से पूछेगा तो आप सही से तो बताएंगे नहीं। जब आप पुलिस कस्टडी में होंगे और जब आपको पुलिस पूछेगी तब आप हर चीज़ दोगे ना उनको, मोबाइल भी दोगे, लैपटॉप भी दोगे और जो जो चीज़ था पुराना भी सब चीज़ दोगे। तो दैट इज़ वाई पुलिस कस्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा आर्ग्यूमेंट। और हमारा पुलिस से एक स्पेशल रिक्वेस्ट था कि उनका फ़ोन और उनका लैपटॉप लेकर इन चीज़ों को डिलीट किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक जगह पर नहीं 8 जगह पर उन्होंने इस चीज़ को व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट्स बनाकर, एक अवार्ड शो के ऑर्गेनाइज़र को, उसके बाद में मीडिया ग्रुप बनाकर भी उसमें डाला। तो करीबन 7 से 8 जगहों पर उन्होंने इस चीज़ों को यूज़ किया गया। तो हमारा पुलिस से एक स्पेशल रिक्वेस्ट था और अभी भी है कि उनके मोबाइल को और लैपटॉप को लेकर पहले ये चीज़ों को डिलीट किया जाए ताकि फ्यूचर में ये मिसयूज ना हो। इसीलिए उन्होंने राखी को समन्स भी इशू किया था, जिसके लिए राखी आई नहीं और वो 2 महीने से दुबई में बैठी है। तो हमारा ये है, इसी चीज़ को लेकर भी कोर्ट ने कि अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किया है, इसी बेसिस पर भी एक वन ऑफ द पॉइंट जो उनका बेल रिजेक्ट हुआ है। Also, ये भी जानना था कि मैसूर से एक लेडी थी जो उनके साथ बहुत ज़्यादा यू नो नज़र आ रही थी और उन्होंने भी बहुत आपके साथ आपको बुरा भला कहा था उस वक्त, क्या उनके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया गया है? नहीं, वो पता नहीं, वो यहाँ है या वो भी दुबई में है राखी के साथ, मुझे कोई उसकी नॉलेज नहीं है। आई हैव नो आइडिया। वो उनके अगेंस्ट आपने कुछ फाइल किया था? कंप्लेंट डिफेमेशन किया था शाबाज और उनके ऊपर डिफेमेशन किया था, बट डिफेमेशन केस थोड़ा लगने में थोड़ा वक्त लगता है। वी आर बिहाइंड इट, इंशाल्लाह जब होगा तो बताएंगे। नहीं, उनके साथ में जो शाबाज थे वो भी FIR के अंदर, वो भी आरोपी है, तो शाबाज के ऊपर भी FIR है। उसके अलावा भी हमने किया है शाबाज के ऊपर, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो है। तो ये राखी का जो बेल रिजेक्ट हुआ, तो जैसे कि आपने बताया शाबाज भी है, तो क्या मुंबई पुलिस ने उनको समन दे के बुलाया है रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट? जितने भी लोग केस से रिलेटेड है, जितने भी विटनेस हैं, जितने भी लोगों के साथ में ये इंसिडेंट हुआ है, इंक्लूडिंग मीडिया पीपल जो जो ग्रुप के अंदर भी थे, सबको समन्स इशू हुआ है पुलिस की तरफ से कि अगर ये चीज़ें आई है तो वो चीज़ें सामने आना चाहिए, क्योंकि वो खाली एक पिक्चर्स नहीं है, वो एक वीडियोस है यू नो, और एक ऐसे जो यू नो हम मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मीडिया को एक अच्छा जरिया होना चाहिए लोगों तक पॉजिटिव चीज़ें पहुंचाना, ना कि ये सब चीज़ें पहुंचा कर यू नो मीडिया को फ्रेम करके जानबूझ के मीडिया को उस चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जितने भी मीडिया वालों ने भी कॉर्पोरेट करके आके स्टेटमेंट दिया, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग आए कॉर्पोरेट किए और सबका स्टेटमेंट हुआ, जितने भी मीडिया वाले थे सबका स्टेटमेंट हो गया। थैंक यू, यू वेलकम, थैंक यू, सत्यमेव जयते।